जी आज 22 मार्च तो हो सकता है कि हमारे यहाँ आज ही डिक्लेयर हो जाए कि रमज़ान होना है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि चांद की पूरी डेट पूरी हो चुकी है, तो 22 तारीख को भी चांद का वो ऐलान हो सकता है। तो हम लोग जो है फिर अब तैयारी कर रहे हैं, सामान तो हम आपके सामने ले ही आए थे, तो बस हमीदाबाजी का मैं इंतज़ार कर रही थी, हमीदाबाजी आ जाए उसके बाद घर साफ़ करें, और घर साफ़ करने के बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सामान रखना और चीज़ें जो बनानी है मुझे पहले से बना के रखनी है उन चीज़ों को रखने के लिए। तो बस अब मैं अपना काम स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि बेल हुई है और हमीदाबाजी ही होंगी क्योंकि उनका टाइम हो चुका है। तो बेल जो हुई थी तो वो हमीदाबाजी ही निकली थी, बस आके उन्होंने अपना काम शुरू किया और उन्होंने सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि हमीदाबाजी आज आपको क्या क्या काम करना है, तो उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया, क्योंकि घर की सफाई सबसे पहले ज़रूरी थी। और मैंने उनके साथ ही फ्रिज को भी साफ़ करने के करना स्टार्ट कर दिया, सारा सामान मैंने निकाल दिया था फ्रिज का, वैसे मेरी फ्रिज इतनी गंदी नहीं होती है, तो फिर मैंने सफाई करनी शुरू करी। ऊपर से भी मैंने फ्रीज़र से भी सारे सामान निकाल दिए थे बाहर। अब मैंने सबसे पहले फ्रिज की मैट जो थी उन्हें साफ़ किया, क्योंकि मैं इनमें मैट ज़रूर बिछाती हूँ, जो जालियाँ होती हैं फ्रिज की, ये शीशे, वैसे तो अब शीशे वाले सेगमेंट भी चलने लगे हैं, पर ये जो जालियाँ होती हैं ना, इन पर अगर आप मैट नहीं बिछाएं तो इनमें जंग आने लगता है, एकदम न्यू फ्रिज ही क्यों ना हो फौरन जंग आने लगता है इनके इनमें भी। तो मैंने डोर से भी सारे सामान बाहर निकाल लिए थे और फ्रिज मेरी अभी तरह से क्लियर हो चुकी है, पूरी तरह से मैंने साफ़ कर दिया है फ्रिज को, क्योंकि सामान रखने से पहले रमज़ानों का बहुत फ्रिज फुल होती है अगर आप सामान इसमें रख दें। बाकी सामान सब जो जितने रखे हुए थे मैंने आपको पहले ये दिखाया था कि तो मैं चिकन कीमा और मटन जो सब लेके आई हूँ तो उसे मैं धो के और फ्रिज में अच्छे से सेव कर दूँगी, क्योंकि अब रमज़ानों में आगे जो है हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो फ़िलहाल नहीं अच्छी लगती हैं, आप लोगों को पता नहीं अच्छी लगती हो कि नहीं, रमज़ान में सब्ज़ी खाना अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल। तो बस चिकन को मैंने धोने के लिए रख दिया है फिलहाल पानी के नीचे, जो आप लोग देख रहे हैं। तो बस चिकन धो चुकी है अब इसी पानी के साथ, मैंने अच्छे से हाथों से भी धोया है, बस आपको दिखा रही हूँ इस तरह से पानी डालते हुए, और अलग कर दिया है मैंने इनके ये बोनलेस पीसेस को अलग कर दिया है, और मैंने हड्डी वाले पीसेस को भी अलग कर दिया, और इनको अलग करने के लिए मैंने इन सहारा लिया लेग पीस का, आप लोग देख रहे हैं। तो बस डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि कभी कभी हमें बोनलेस चिकन की ज़रूरत होती है तो उसको छांटना पड़ता है, तो पहले ही मैंने अलग कर दिया है, तो मैंने इन्हें डीफ्रीज कर दिया है, फ्रीजर में रख दिया इन्हें। और अब मेरा कीमा भी धो चुका है, तो कीमे को भी मैं एक बाउल में फिट करके और उन्हें डीफ्रीज कर दूंगी, तो मैंने कीमे को भी अंदर रख दिया है। तो यहाँ मैं कुछ फ्रोज़न फूड भी ले आई थी, जिसमें था सीख कबाब, तो ये सीख कबाब प्रिपेयर हैं, और ये है चिकन कोफ्ता, चिकन कोफ्ता भी प्रिपेयर, बस उसको मुझे ग्रेवी बनाना है और उनमें तल के मिलाना है। और उसके साथ मैं कुछ रेडीमेड पराठों की भी पैकेट ले आई थी, कभी कभी बच्चे ज़िद करने लगते हैं और आजकल गैस नहीं आ रही है फिर से, आपको पता है कि यहाँ गैस की लोड शेडिंग कितनी है। और साथ में जामे शीरी, रमज़ान में जामे शीरी ना हो मज़ा ना आए, और क्विज, जामे शीरी और क्विज दो शरबत में लेके आई थी फ़िलहाल। मुझे संदल और इलायची मैंने देखा था, बड़ा पसंद आया था मुझे, दिल कर रहा था मैं ले लूं। तो अब बारी आती है सब्जियों के सेट करने की, सब्जियों में मैंने सिर्फ हरे मसाले और टमाटर, नींबू की खीरा और माइक्रोनीस के जो सामान होते हैं वही लिए हैं, सब्जियां इतनी ज़्यादा मैंने नहीं ली, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि मुझे सब्जियां रमज़ानों में पसंद नहीं आती इतनी। तो बस सब्जियों को मैंने सेट कर दिया है सब्जियों के बॉक्स में, और मैंने करी पत्ता भी इस बार ले लिया था, करी पत्ता अच्छा लगता है कि किन्हीं चीज़ों में डालते हुए। और हमने केचप का बहुत बड़ा पैकेट लिया है, क्योंकि केचप बहुत जल्दी तेज़ी से ख़त्म हो जाता है, तो मैंने लहसुन अदरक छील के रख लिया था, तो अब हम लहसुन अदरक का यहाँ पेस्ट बना के रख रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, फिर एंड टाइम पे ना बच्चे भी साथ में हो तो वो टफ़ काम लगने लगता है, तो वो पहले से ही प्रिपेयर करके रख देना चाहिए। तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करके फ्रिज में रख दिया है, और उसके बाद फ्रिज खुली नहीं रही थी, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में वो, मैंने सारा सामान पहले तो इसी बॉक्स में भर के रख दिया था, क्योंकि अभी मैंने खाली नहीं किया था कि सब चीज़ें मैं फिर से फिल करूं रखूं डब्बों में। तो अब मेरी वो बारी आई है इन चीज़ों को रखने के लिए, तो मैंने सारी चीज़ें बाहर रख ली थी कि मैं धीरे धीरे इन्हें सेट कर दूँगी। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोगों को भी पता होगी, रमज़ान गैजेट, रमज़ान गैजेट क्या है, ज़ीरा और धनिया, जिन्हें भून के पीस के हमें रखना होता है, तो सबसे बड़ा काम यही है। तो मैंने उन्हें भून के और मशीन में पीस के रख दिया है, सेव कर दिया है, देखिए कितना ज़बरदस्त पीस गया ना, और इसमें भी बहुत जल्दी पीसती है मशीन,
जबरदस्त। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है कि मुझे पड़ती है चटनी की ज़रूरत। हरी चटनी तो मैंने पीस के और उनके क्यूब्स भी बना के रख दिए हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ मीठी चटनी। तो मीठी चटनी किसकी? इमली की, जिनके लिए मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं तैयारी करने के लिए इमली की चटनी की। जो चटनी बहुत ही ज़बरदस्त इंडियन स्टाइल की चटनी बनती है, जैसे हमारे स्ट्रीट फूड इंडिया में मिलते हैं ना, चिक्की चाट ये वो, उसमें तो ये चटनी डालते हैं गलके स्टाइल की। गलका नहीं बोलते, गलके की स्टाइल में बनाई है मैंने ये चटनी इमली की। और ये अभी बन के तैयार होगी तो आप इसे देखिएगा कितनी खूबसूरत दिखेगी। मैंने इसे गाढ़ा करने के लिए हल्का यहाँ पे कॉर्न फ्लोर भी मिलाया हुआ है कि मैं उसमें डालूँगी तो ये थिक सी हो जाएगी। तो अगर आपको इसका रेसिपी देखनी है और जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लीजिएगा, आपको रेसिपी मिल जाएगी इसकी। और चटनी हमारी तैयार है और क्या खुशबू आ रही है इसके अंदर से, वाह वाह। तो आप देख सकते हैं इमली की चटनी बनके तैयार है मीठी। और ये चटनी किसी भी चीज़ में आप मिला दें उसका स्वाद दुगना हो जाता है, डबल स्वाद की चटनी बन, मतलब मटेरियल डबल स्वाद का हो जाता है। अभी से मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो यहाँ तैयार हो चुके हैं हमारे क्यूब्स, चटनी के क्यूब्स जो हरी चटनी के मैंने बनाए थे रायते के लिए, तो वो क्यूब्स भी तैयार हो चुके हैं। हमारे काम ख़त्म हो गया और मैंने आपको बोला था कि हो सकता है हमारे यहाँ 22 को ही चांद का क्लियर कर दें कि चांद होना है। तो अभी शाम से तो नहीं हुआ था क्लियर कि चांद है, लेकिन अभी 10:30 बजे रात में ना ऐलान कर दिया कि कल सुबह रोज़ा है हमारा पहला, लेकिन इंडिया में रोज़ा नहीं है। मैंने घर पे अपने बात की थी, वहाँ पता चला कि उन लोगों ने बताया कि नहीं यहाँ तो चांद नहीं हुआ और हमारा पहला, उनका पहला रोज़ा पड़ेगा 23 तारीख को, उनकी चांद रात होगी, और 24 को पहला रोज़ा, और हम लोगों का 22 की चांद रात हो रही है और 23 का पहला रोज़ा हो रहा है। तो हम सऊदी के साथ रोज़ा कर रहे हैं। वैसे एक दिन पहले ही हम लोग का रोज़ सऊदी वालों का होता है, लेकिन बोल रहे हैं कि इस बार उन लोगों ने गलत किया है। अब पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, ये तो अल्लाह ही जाने। और इस बार तो मेरी दोस्त भी उम्रे पे गई हुई, मेरी चचा की बेटी है और मेरी बचपन की दोस्त है, तो वो उम्रे पे गई है सऊदी। तो उनका रमज़ान इस बार काबे शरीफ और मदीने शरीफ में गुजरेगा। कितना खूबसूरत रमज़ान गुजरेगा इंशाल्लाह, एक दिन हम भी रमज़ानों में ही जाएंगे। तो दोस्तों आज से शुरू होता है रमज़ान, और रमज़ान का बिज़ी रूटीन, रमज़ान बहुत बिज़ी रूटीन होता है, ख़ासकर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि हमें ये होता है ना, मेरी तो स्पेशली नींद पूरी नहीं होती क्योंकि मुझे सहरी में उठना है, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना है, तो फिर वो सहरी से स्कूल तक का टाइम तो मेरा बिल्कुल जागते ही गुजरता है, फिर रोज़ाना स्कूल चला जाता है। उसके बाद स्कूल के बाद जाने के बाद मुझे 2 घंटे का जो टाइम मिलता है उसमें लेटो नहीं कि फिर मासी आ जाती है, तो नींद तो पूरी हो ही नहीं पाती, फिर मायरा उठ जाती, फिर आप वैसे ही सो नहीं सकते, फिर जब तक रात में बच्चे नहीं सोते तो फिर नहीं आप सो सकते। तो बहुत बिज़ी रूटीन होने वाला है अब रमज़ानों का, लेकिन बहुत रौनक होती है रमज़ान में, इतनी ज़्यादा घर में खुशियाँ लगती हैं, खुद बखुद अल्लाह की तरफ से रहमत उतरती है। तो बस इस रहमत के महीने में अब मुझे विदा दीजिए इस व्लॉग में, मिलते हैं ऐसे किसी अनदर व्लॉग में, और अपनी दुआओं में हमेशा मिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।